हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें, जो कि परीक्षा में 7 मार्क्स का आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत दिग्दर्शिका यानी संस्कृत में से आपको 7 मार्क्स का श्लोक यानी आप कह सकते हैं पद्यांश और 7 मार्क्स का गद्यांश में से जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 12th के लिए। ओके, तो आपको उसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगी, यानी आप पद्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगी और जिसका अनुवाद संदर्भ अनुवाद करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिये, सुभाषित रत्नानी जो है पाठ, उससे ये लिया गया है, ठीक है। तो दो श्लोक मैं आपको बता रही हूँ, दोनों श्लोक ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी 2 श्लोक पूछे जाते हैं, लेकिन जिसमें से आपको 1 श्लोक करना रहता है, ठीक है। 2 श्लोक दिए रहेंगे लेकिन आपको 1 श्लोक करना रहेगा और संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना रहेगा, और आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप पूरा अच्छे से कर देंगे, ठीक है। और गद्यांश में भी, संस्कृत दिग्दर्शिका में गद्यांश जो आएगा उसमें भी आपको 2 मिलेगा पैसेज, मतलब, ठीक है। और आपको दोनों में से 1 करना रहेगा, ठीक है। 1 का संदर्भ हिंदी अनुवाद करना रहेगा हिंदी में, और उसके लिए भी आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 14 मार्क्स का जो है एग्जाम में संस्कृत दिग्दर्शिका यानी संस्कृत में से पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण श्लोक जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग, ये 2 श्लोक लेकर आई हूँ, ठीक है। जैसा कि आप पहला श्लोक देख रहे हैं, मतलब कि पहला पद्यांश देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको संदर्भ हिंदी अनुवाद के साथ आपको अच्छे से बता दूंगी, और इसके बाद जो वीडियो आएगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको संस्कृत का जो गद्यांश है, जो महत्वपूर्ण गद्यांश आता है, वो बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर श्लोक है कि विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति शक्ति परिसाम परिपीडनाय, ठीक है। खलस्य साधो विपरीत धनाय च रचनाय, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आपको पहले संदर्भ बताती हूँ कि कैसे लिखना है, उसके बाद से हम इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, हिंदी अनुवाद करेंगे। ओके, परीक्षा में जब पूछेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक पेन से, मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिखा, आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर संदर्भ लिखना है, ठीक है, और आपको फिर संदर्भ लिखना स्टार्ट करना है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि किस पाठ से ये लिया गया है, ठीक है, किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत दिग्दर्शिका मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है, और यहाँ पर जो सुभाषित रत्नानी जो पाठ का नाम है, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ताकि इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, देखने में भी अच्छा लगे। तो आपको संदर्भ वैसे लिख लेना है, काफी बड़ा संदर्भ नहीं है, छोटा है, आप आसानी से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। ओके, इसका अनुवाद आपको कैसे लिखना है, देखिए इसका अनुवाद आपको कैसे लिखना है, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परिपीडनाय, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दुष्ट की जो विद्या होती है, ठीक है, दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए, ठीक है, विवदाय यानी विवाद के लिए जो धन होता है, मदाय, ठीक है, मदाय यानी कि मद के लिए, ठीक है, मतलब नशा करने के लिए, और जो शक्ति होती है वो शक्ति परिसाम परिपीडनाय, यानी जो शक्ति होती है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, मतलब कि दुष्ट की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, धन जो है वो मद के लिए होती है, मतलब नशा करने के लिए होती है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि खलस्य साधो विपरीत न्याय च रचनाय, इसमें कह रहा है कि सज्जन की जो विद्या होती है, खलस्य साधु, सज्जन की जो विद्या होती है, साधु, सज्जन की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, ठीक है, इसके विपरीत जो सज्जन की विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है उनका, ठीक है, धन दान के लिए होता है, और जो उनकी शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ठीक है, समझ में आपको आया। पहली लाइन में कह रहा है कि जो दुष्ट की जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है, मेरे साथ साथ आप बोलते चलिए, दुष्ट की जो विद्या होती है किसके लिए होती है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है, धन जो है वो मद के लिए यानी नशे के लिए होती है, और शक्ति जो है दूसरों को परेशान करने के लिए, ठीक है। इसके विपरीत जो साधु, जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, दान जो होता है और जो धन होता है वो दान के लिए, और जो उनकी शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो ऐसे आपको अनुवाद लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से अनुवाद लिखना है। आप व्याख्या भी लिख सकते हैं, आप अनुवाद भी लिख सकते हैं। तो अनुवाद यहाँ पर डाल के अंडरलाइन नीचे कर देना है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपको संदर्भ और अनुवाद ऐसे ही लिखना है परीक्षा में, और लिखने के बाद से आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने पहला श्लोक महत्वपूर्ण बता दिया। अब चलिए मैं आपको दूसरा नंबर बता देती हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर श्लोक है, प्रीणाति यः सुचिरेते पितरं स्वपुत्रो यद् रेव हितमिच्छति तत्र कल्त्रम तमित्रमापदे सुखे च समक्रियम यदा इत्रत्यम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। मतलब कि कहने का तात्पर्य जो है मैं आपको सब समझा दूं। संदर्भ वही रहेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है, क्योंकि ये भी सुभाषित रत्नानी ही पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो शीर्षक संदर्भ वही रहेगा, इसलिए मैंने संदर्भ लिखा नहीं है। जो मैंने ऊपर लिखा है संदर्भ वही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुवाद देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर लाइन में क्या लिखा कि प्रीणाति या सुचिरेते पितरम सपुत्र, यानी कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, ठीक है। ऊपर दिखाया है कि जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। अगली लाइन में है कि यद हित मिच्छति तत्र कल्त्रम, जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी स्त्री। थर्ड लाइन में है कि तमित्र मा पदे सुखे च सम क्रियम यदा, यानी कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला हो ऐसा मित्र, ठीक है। इत्रत्यम जगते पुण्य कृतो लभन्ते, यानी कि इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया? पहले लाइन में लिखा है, देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, कि जो पिता को अच्छे आचरण से, ठीक है, अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, ठीक है, और जो पति का ही हित चाहती हो, ठीक है, जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी पत्नी, और जो सुख और दुख में, ठीक है, सुख हो चाहे सुखे हो चाहे दुख हो, उसमें समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में, जगत में पुण्यशाली जन ही पाते हैं, ठीक है। तो यह है इसका अनुवाद, ठीक है, मैंने यहाँ पर व्याख्या लिख लिया है। तो यह है इसका अनुवाद, और आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। और ये दो महत्वपूर्ण, ठीक है, दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको क्लास 12th केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक, कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। मैंने पोएट्री में जितने सारे सेंट्रल आइडिया हैं सभी सेंट्रल आइडिया को बता दिया गया है, ठीक है, और प्रोज के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी बता दिया गया है, शॉर्ट स्टोरीज के जितने सारे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे, तो उनको भी मैंने बता दिया है, जाइए और प्लेलिस्ट में से जरूर जाकर देखिए, ठीक है। फिजिक्स का जो पार्ट वन है, उसके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जो पार्ट टू है फिजिक्स का, उसके दो तीन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि प्रकाश जो लेसन है, तरंग प्रकाश की जो चैप्टर है, और जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 8-8 मार्क्स के, 8-8 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर आपने अभी उन वीडियोस को नहीं देखी है तो जाइए, क्योंकि ये नहीं हो कि एग्जाम दे रहे और आप उन वीडियो को देखें ना एग्जाम से पहले, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, मैंने आपको ये भी बता दिया उन वीडियोस में कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं आपको नहीं पढ़ने हैं प्रकाश वाले चैप्टर के, ठीक है, और तरंग प्रकाश की के, मतलब जितने सारे चैप्टर मैंने बताए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं उस लेसन में, किस किस क्वेश्चन को हटा दिया गया, ठीक है, तो समझ में आपको आ गया। केमिस्ट्री में भी मैंने बहुत सारे जो चैप्टर जो हैं केमिस्ट्री के भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को, तो जाइए वीडियोज को देखिए, वॉच कीजिए और क्वेश्चन जो है उन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। हिंदी
हिंदी में जितने भी सारे महत्वपूर्ण निबंध हैं मैंने बता दिए हैं, और जो एक दो महत्वपूर्ण निबंध रह गए हैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, रस, छंद, अलंकार, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ये कंपलसरी है पूछे जाने की, एग्जाम में ये एकदम जरूर पूछे जाते हैं। तो रस, छंद, अलंकार की वीडियो ऑलरेडी बन गई है, जाइए उन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तब तक तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।